नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में LG W31 Plus vs Infinix Hot 12 Play का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो W31 Plus में 6.54 इंच जबकि Hot 12 Play में 6.73 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो W31 Plus में 3 इंच जबकि Hot 12 Play में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो W31 Plus में 0.33 इंच जबकि Hot 12 Play में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि W31 Plus से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो W31 Plus में 173.6 ग्राम जबकि Hot 12 Play में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि W31 Plus से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो W31 Plus में 20:9 जबकि Hot 12 Play में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो W31 Plus में 6.52 इंचेस जबकि Hot 12 Play में 6.82 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन W31 Plus में 720x1600 और Hot 12 Play में 720x1640 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो W31 Plus में 80.93% जबकि Hot 12 Play में 82.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो W31 Plus में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि Hot 12 Play में 263 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो W31 Plus में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 12 Play की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो W31 Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Hot 12 Play में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो W31 Plus में पावर GE8320 जबकि Hot 12 Play में माली G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो W31 Plus में MediaTek Helio G25 और Hot 12 Play में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो W31 Plus में 128GB जबकि Hot 12 Play में 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो W31 Plus में अप टू 512GB जबकि Hot 12 Play में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो W31 Plus में Android V10Q जबकि Hot 12 Play में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी W31 Plus में 4000 mAh जबकि Hot 12 Play में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो W31 Plus में 1 कलर्स जबकि Hot 12 Play में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो W31 Plus 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ₹8,899 में मिल जाता है, और बात करें Hot 12 Play की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,499 में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो LG W31 Plus में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Hot 12 Play की तो उसमें 5 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में हॉट 12 प्ले आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C21Y है, दूसरा Micro Max N2B है, तीसरा Moto E40 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco C31 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।